और गरम है। जैनब कर रही है यहाँ पर डांस और मेरे पास यहाँ पर चाय है। Assalamualaikum, hello everyone, this is me Samra Raza and welcome to my YouTube channel. तो आज है एक का तीसरा दिन और आप सभी को एक का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ये मैंने लगाई अपने हाथ में मेहंदी और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा ब्लैकी सा आया है। और आज है एक का तीसरा दिन, जैसे कि आप लोग जानते हैं आज है एक का तीसरा दिन और हमारे घर है आज बारबेक्यू नाइट और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं नीचे कर रही थी थोड़ा सा काम, जाना भी नीचे और जाना के बाबा बाहर गए हैं ब्रेड वगैरह लेने, तो बस मैं नीचे बना रही सबके लिए चाय और साथ ही साथ मुझे अपना बनाना है पुलाव। तो चलते हैं, मिलते हैं नीचे जाकर। तो यहाँ पर मेरे बाल भी हो रहे थे गीले गीले। आप बदतमीजी कर रही यहाँ पर बैठ कर, ये देखें नहीं बोला। यहाँ बन चुकी है मेरी चाय। नहीं होना। हाँ यहाँ मैं कर रही हूँ पुलाव के लिए प्याज लाल। सब यहाँ पर बैठे हुए हैं चाय पीने के लिए और चाय के साथ हम लोग खाएंगे मक्खन। ये जहाँ के बाबा ले आए हैं ब्रेड वगैरह। और यहाँ मेरी प्याज पुलाव वाली ब्राउन हो चुकी है, इसमें मैंने डाल दिए गरम मसाले। टाइम हो चुका है 9:09:20 है। और मैं इस किचन में खड़ी हुई हूँ और मैं बना रही हूँ यहाँ पे पुलाव जो बस बनने वाला है। और सबके सब हैं ऊपर, जैनब जैनब के बाबा दादा दादी सबके सब हैं ऊपर छत में, टिक्का पार्टी की तैयारी हो रही होगी या कोयले वगैरह जल गए होंगे। तो जब ये पुलाव बन जाएगा तब हम जाएंगे ऊपर, थोड़ा सा पहले रेडी होंगे फिर हम जाएंगे छत पर। बस ये बन जाए जल्दी से ये। तो जी पुलाव मैंने रख दिया है दम पर और अब मैं जा रही हूँ ऊपर और मैं हो रही हूँ पसीना पसीना। ये है मेरे हाथ में फ्राइड ऑनियन और इसको मैं रख दूँगी ऊपर किचन में और फिर मैं होंगी रेडी। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो जी जल्दी से कर लेते हैं अपनी हालत अच्छी। तो टाइम हो रहा है 9:09 बज रहे हैं और जाना के बाबा नीचे आए दलील करने के इतनी देर हो गई है। आंखें दिखा रहे हैं मुझे कि अभी तक ऊपर नहीं है, दस मेकअप ठोक लिया है वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब इतना जलील होने के बाद मैं जा रही हूँ जाना के बाबा के साथ ऊपर। ऊपर क्या हो रहा था, टिक्का बोटी बन गई सजा के खानी है मुझे, बताएं भाई गुस्सा आ रहा है। तो जी चलते हैं जल्दी से ऊपर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। एक काम को देती है। यहाँ जाना के बाबा दादी से बातें कर रहे हैं, फुक्को हाथ धो रही हैं और सबके सब लगे हैं अपने काम में। और जुटी हमारी टिक्का बोटी बन रही है, यहाँ पे सीखे बनाई जा रही है। ये है हमारी बिहारी बोटी और इसमें हमारी शायद ये है टिक्का बोटी और साथ में हमारे पास मलाई बोटी। लेकिन जरा मैं डांस चेक करें, जरा बहुत कुछ माशाल्लाह से बहुत इंजॉय कर रही हैं। भाई ये ही ठीक है यार। और यहाँ पर जाना भी थोड़ा सा पुलाव खा रही हैं, साथ में हुसैन वहाँ भी पराठे और बोटी खा रही हैं। सब बच्चे कुछ ना कुछ खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सब कुछ, सब भरपूर। ये देखें जैनब को यहाँ पे हुसैन भाई मेहनत कर रहे हैं ताकि व्लॉग हमारा अच्छा बन सके, कि एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत थी हमें। तो ये हुसैन भाई बेचारे लेकर आए हैं
पसीना पसीना हो रहे हैं, पर ये गाय और लाइट लेकर जाना के बाबा को लग जाएगी। आपको दिखाते हैं कि ये कैसी है और ये महा का ये टेस्ट बिहारी बोटी महा कैसी है, बहुत स्पाइसी है ना। और यहाँ सबके सब मिलके लगा रहे हैं ऊपर बड़ी वाली लाइट ताकि मस्जिद हमें रोशनी मिल सके। और यहाँ सब बच्चे खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इनको बहुत मज़ा आ रहा है, सब के सब बहुत खुश हैं माशाल्लाह से। और यहाँ जाना अपने बाबा के पास हैं और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। मुसलसल हमारी गोतियाँ बन रही हैं। और ज़ैनब को फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे मिल गई है कोल्ड ड्रिंक, और ज़ैनब फ़र्स्ट टाइम कोल्ड ड्रिंक ट्राई कर रही हैं और बिल्कुल बात नहीं सुन रही किसी की भी। और दादा दादी के पास गई हैं ज़ैनब कुछ खाने के लिए, पर कुछ खा भी नहीं रही हैं, ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक, और खेल हो रहा है कोल्ड ड्रिंक का। और सब के सब थोड़ा बहुत खा रहे हैं साथ साथ। और ये मेरी प्लेट है, ये मैं खा रही हूँ। और यहाँ एक प्लेट में मैं और महा खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, हम लोग सुकून से बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं। और हमारे मेन्यू में ये नई चीज़ आ गई है मटन चाप, और हमने ये भी मैरिनेट करी हुई थी और इसको भी ग्रिल कर रहे हैं, देखते हैं ये भी। और ये बहुत बेहतरीन से कलर आ चुका है, बहुत ज़बरदस्त ये ग्रिल हुई है और अच्छी तरह गल चुकी है ये बहुत मज़े की हो रही है। कब खा कर देखते हैं, बहुत यमी दिख रही है शक्ल से ये देखें ज़बरदस्त। और यहाँ मैं खा रही हूँ पुलाव रायता शायता डाल कर ज़बरदस्त सा। और यहाँ देखें हुसैन भाई खा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मज़े से हैं मटन चाप, और बच्चे स्टिल खेल रहे हैं। ये रही हमारी ज़ैनब, ये देखिए तालिब भाई के साथ खेल रहे हैं, धक्के मारना सब तरफ का दे रही हैं। ज़ैनब के पास आए हैं तालिब भाई, और ज़ैनब भाई की बात बिल्कुल नहीं सुन रहे, ये देखे हैं। ज़ैनब तालिब और तालिब के मामू, आहा और यहाँ पर गाने चल रहे थे बहुत तेज़ आवाज़ में और मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है, और सबके सब यहाँ पे डांस कर रहे हैं, बड़े बच्चे और सब भरपूर इन्जॉय कर रहे हैं। ये देखें सबको बहुत मज़ा आ रहा है, ज़ैनब अपने बाबा के पास हैं। तो यहाँ मैं लेकर आई हूँ ज़ैनब का नन्ना, आ रही है, टाइम 11 बज रहे हैं शायद, आई थिंक सो 11 11:30 हो रहे हैं, और ज़ैनब को आ रही ठीक ठाक नींद। तो मैं लेकर आई हूँ ज़ैनब को नीचे, देखते हैं ज़ैनब अभी सोती हैं नहीं सोती हैं। तो ज़ैनब को मैंने सुला दिया, आपके मोबाइल में कॉल मिली हुई है, ज़ैनब रोएगी तो पता चल जाएगा आपके मोबाइल में कॉल मिली, अपना मोबाइल नहीं आए। तो ज़ैनब को मैंने सुला दिया, ज़ैनब को बस लगा रहा है मोबाइल। यहाँ पे सब बच्चे वैसे ही खेल रहे हैं, ऊपर ऊपर चल रहे हैं, गाने शाने और सब कर रहे हैं, काम भी साथ साथ हो रहा है। यहाँ पे सीख बोटी भी बन रही है और चाय की भी तैयारी चल रही है साथ साथ, इसके बाद बनेगी चाय। यहाँ हमारे दो बंदे दो भगोने बना रहे हैं चाय, और यहाँ अगेन लग चुका है हमारा खाना, और जिसने खाना नहीं खाया तो खा रहा है खाना। और यहाँ मैं डाल रही थी चाय में चीनी पत्ती, दर्शा करिए फिटर पी रही है
और यहाँ हमारी बारबेक्यू पार्टी एंड हो चुकी है। सारा सामान समेट रहे थे सबके सब मिलकर, और बच्चे थककर लेट गए हैं, और बर्तन वर्तन भी हम लोग ऊपर ही धो रहे थे। और एंड में एक बार फिर यहाँ पर सबके सब कर रहे थे डांस, बहुत ही ज़बरदस्त सा म्यूज़िक चल रहा था बहुत तेज़, और सबके सब कर रहे हैं भरपूर इंजॉय। और यहाँ पर मैं भी पी रही हूँ चाय, और यहाँ पर सभी चीज़ें सिमट गई हैं और सभी चीज़ें नीचे भी जा चुकी हैं, बस मैं भी जा रही थी नीचे। तो जी यहाँ पर हमारा सारा काम ख़त्म हो गया है, और टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, टिक्का पार्टी बाजी की सब ख़त्म, बर्तन वर्तन धुल गए हैं, किचन सिमट गया है, सब अपने अपने घर पर जा चुके हैं, और अपना कहीं रूम में जाना स्टिल सो रही है, और बस हम जाके लेटेंगे। आप बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।